अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ज़्यादातर इम्कान यही है कि आज की नशस्त जो है जिसमें हम सूरह बकरा की आयत नंबर 28 पढ़ने जा रहे हैं, ये रमज़ान के आखिरी हमारा सेशन होगा, आखिरी नशस्त होगी इंशाल्लाह। हम इस स्टडी को जो हमने शुरू किया है इस रमज़ान में, इसको कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह आपको बाद में भी मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 28 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो है इससे पहले की आयत में आयत नंबर 27 में फासिकीन के बारे में था कि वो अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ते हैं और उन ताल्लुकात को क़ता करते हैं, तोड़ते हैं जिनका के अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है। उसी से मुत्तसिल ये आयत है। तो शुरू करते हैं। तफहीम का पहला मरहला जिसमें हम मफहूम समझते हैं आयत का। आयत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैफा तकफुरूना बिल्लाही वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैही तुर्जऊन। अच्छा, कैफा ये सवाल, इसमें इस्तेफाम है, सवाल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे, इसका मतलब है कैसे। और तक फोरूना ते जब आता है इसका मतलब है अंतुम, सामने लोग मौजूद हैं उनसे कहा जा रहा है, उनके बारे में है। तो तक फोरूना तुम सब कैसे कुफर कर सकते हो बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, या अल्लाह ताला का इनकार कैसे कर सकते हो, कुफर कैसे कर सकते हो। कुफर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुफर का मतलब ये है कि छुपाना, इनकार कर देना। कफरा यकफुरू जो छुपाने का जो है कि जानते बूझते कि कोई हकीकत सामने आ और उसका इनकार कर देना, उसको छुपा देना, उसको पीछे डाल देना। तो तुम अल्लाह ताला का इनकार किस तरह कर सकते हो। वकुन तुम फिर आगे उस जो ये सवाल जो किया उसके बाद आगे क्या है कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो। वकुन तुम अमवातन पाहयाकुम, हालांकि वाव यहाँ पे हालिया है, हालांकि के कुन तुम सब थे। काना यकूनु का मतलब होना, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको तफसील से इस लफ्ज को। काना यकूना तो होना, इसमें होना पाया जाता है। तो कुन तुम सब थे। अमवातन मुर्दा, मौत की जमा है अमवातन, तो तुम सब मुर्दा थे क्योंकि जमा का सीगा है ना, तो तुम सब मुर्दा थे। फा अहयाकुम, तो फिर अहया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अहया यस्ताही में पढ़ा था। अहया बाबे फाल से है और इसका मतलब है जिंदा करना, किसी और को जिंदा करना या जिंदगी देना। सो फा अहयाकुम, तो अल्लाह ताला ने तुमको जिंदगी दी। कुम का मतलब तुम सबको, आहयाकुम तो अल्लाह ताला ने तुम सबको जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, अच्छा अभी जिंदगी दे दी, तुम सब मुर्दा थे इस वक्त दुनिया में आने से पहले, तुम सब मुर्दा हालत में थे, नहीं थे, और फिर जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मारेगा
यानी कि हर जीरू जो कि इस वक्त जिंदा है उसको मौत आएगी, युमी तो कुम माता यमूत, माता यमूतू तो खुद मरना है, लेकिन अमाता युमीतू जो है वो किसी और को मौत देना, किसी और को मौत देना, तो वो तुम्हें फिर मौत देगा, तुम सबको जो जिंदा होता है फिर उसको मौत आती है, हम देखते हैं। तो इसमें यह है कि तुम जो सब जिंदा हो तुम्हें वो फिर मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, और फिर उस मौत के बाद फिर दोबारा जिंदा करेगा, सुम्मा फिर दोबारा, और फिर युहयीकुम तुम सबको जिंदा करेगा, फिर जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तो जब वो मौत के बाद दोबारा जिंदा करेगा तो फिर तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इसमें ये जो यहाँ पे सुम्मा इलैहि तुरजऊन है ये कयामत रोजे महशर के बारे में है कि जब तुम सबको दोबारा से जिंदा करेगा, एक दफा मर जाने के बाद दोबारा से जिंदा करेगा तो फिर तुम सब रोजे महशर में अल्लाह ताला के सामने लौटाए जाओगे, उनके सामने पहुंचाए जाओगे। अच्छा, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं जो अल्फाज हैं इसमें। सबसे पहले अमवाता है ना, सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं, जैसे हमारे पास अल्फाज हैं लाइन से जो फाहयाकुम जो है, फाहयाकुम में तो तुमको जिंदगी देगा, ये लफ्ज हमने यस्ताही में भी पढ़ा था, यस्ताही अल्लाह यस्ता सॉरी जो वो वाली आयत थी जिसमें अल्लाह ताला नहीं शर्माता, नहीं ये वाली ला यस्ताही, तो ला यस्ताही जो है वो बाब इस्तिफाल से इस्तिफाल से है, लेकिन इसी का जो रूट लेटर है इसमें ये जब बाब इफाल से आता है, फोर्थ फैमिली से आता है, तो अहयाकुम जैसे इस वाली आयत में बाब 28 में अहयाकुम जो इस्तेमाल हुआ है, अहयाकुम का मतलब है जिंदगी दी, जिंदगी दी किसने दी, अल्लाह ताला ने दी, किसको दी, तुम सबको दी, तो ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, ये जो हई हे या में ये जो हयात है ना, हई या हयातन, तो ये सलासी मुजर्रद से जो होता है जिसमें के जिसका मतलब होता है खुद जिंदा रहना, तो इसमें जो हयातन का जो मजदर है यानी कि जिंदगी हयात जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम ये तफसील से पढ़ें कि आखिर जिंदगी और मौत ये जो बार बार हो रही है तो इसका क्या मुराद है। हयात, हयात का मतलब जिंदगी, ठीक। अहया उस अहया अहया उसने उसे सॉरी अहया हु अहया हु उसने उसे जिंदा किया, और एहयान जिंदगी बख्शना, एहयान बाब इफाल से इसका मजदर है यानी कि जिंदगी बख्शना, किसी को जिंदगी देना। तहियम मिनहु वो उससे सिमटा सुकड़ा, अच्छा इसमें सिमटने सुकड़ने का भी इसमें मतलब होता है। इल्म हयात के माहिरीन कहते हैं कि जिंदगी की एक अलामत सुकड़ना है, आप किसी जानदार चीज मसलन कीड़े वगैरह को छेड़िए, अगर वो जिंदा है तो उसका पहला रद्द अमल ये होगा कि वो अपने आप को सुकेड़ लेगा, सिमट जाएगा, और अगर वो जिंदा नहीं तो उसी हाल पे रहेगा। उसका ये सिमटना दर हकीकत उसके जज्बे तहफ़ खवेश प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ का मुजाहरा होता है। इसी से अरबों ने इस मादे से सिमटने और सुकड़ने का मफहूम भी लिया है, और यही से हया यानी के शर्म है, क्योंकि हया का मुजाहरा भी सिमटने से होता है, सुकड़ने से होता है। इसी तरीके से सांप को हयतुन कहते हैं उसके सुकड़ने और सिमटने की वजह से, तो जो हरकत होती है सुकड़ना सिमटना उसमें जो हरकत होती है वो जिंदगी की अलामत है।
ये हमने देखा इसका, ये मैं जो अभी पढ़ रही थी ये लुगतुल कुरान से पढ़ रही थी, लुगत है ये डिक्शनरी। अच्छा, तो ये हमने अहयाकुम में जो जिंदगी दी, अल्लाह ताला तुम सबको जिंदगी देते हैं, तो उस जिंदगी का मतलब देखा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मात जो सुम्मा युमीतुकुम, युमीतु जो है वो है सुम युमीतुकुम जो है अमाता, युमीतु इमाता, इमाततन, ये बाब इफ़ाल से है। अमाता का मतलब उसने मारा, युमीतु वो मारता है या मारेगा, इमाततन मौत देना, और फहुआ मुमीतुन मौत देने वाला। ठीक, तो ये जो है जो आयत में है सुम्मा सुम्मा युमीतुकुम, तो वो तुम सबको मौत देगा, जो जिंदा हैं उनको मौत देगा। तो ये इसमें, और अमवातन जो आयत के शुरू में है, अमवातन मौत की जमा है, तो मौत हम सब वैसे तो जानते हैं कि मौत है क्या। मौत दरअसल हयात की जिद है, और मायने के हिसाब से अगर मीनिंग वाइज देखा जाए तो इसको मजाजन सुकून के लिए भी बोला जाता है, एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, सुकून। तो हर वो चीज जिसमें जमूत की वजह से हरकत और इर्तका रुक जाए, मुर्दा है। ठीक है, तो ये एब्सेंस ऑफ मूवमेंट जो है वो भी मौत है। और ये जो हम हमने पिछली आयत में अरवाह का पढ़ा था, तो अरवाह के बारे में ये कि उसमें जाहिर है वो एक दफा पैदा कर दी गई आलम अरवाह में, और वो फिर स्टैटिक फॉर्म में है, वहां जमा है, जैसे जैसे अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक जिन अरवाह को इस दुनिया में आना होता है, उनके जो है यहाँ इस दुनिया में वो लाई जाती हैं, और उनका जिस्म पहले जाहिर है वजूद में आता है, और फिर रूह को लाके जिस्म से मिला दिया जाता है, तो फिर वो जिंदगी की अलामत, जिंदगी शुरू हो जाती है। तो ये हुआ हमारा अल्फाज मायने। अच्छा, रजा जो आखिरी लफ्ज है, तुरजाऊन, तुरजाऊन जो है फेले मुदारे मजहूल है, यानी कि तुम वापस लाए जाओगे। तुरजाऊन भी फेले मुदारे है, तो मुदारे में फेले मुदारे यानी कि जो अरबी का प्रेजेंट टेंस होता है उसमें फ्यूचर के मायने भी आ सकते हैं। तो उसमें यह है कि कयामत के रोज तुम सब वापस लाए जाओगे, लौटाए जाओगे अल्लाह ताला की तरफ। रजा यरजियु का जो मायने है वापस आना, पीछे मुड़ना, दोहराना, वापस लाया जाना। तो ये वर्ड टू वर्ड हमने देख लिया, एनालिसिस कर लिया। अच्छा, इसका बा महावरा तर्जुमा जो है ये एक मिनट, इसका बा महावरा तर्जुमा ये कि तुम अल्लाह का इनकार किस तरह कर सकते हो। ये जो कैफा सवालिया है, इसमें इस्तेफाम है, कैफा तकफुरूना बिल्लाही, ये सीधे सवाल नहीं है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। इसमें हाउ का मतलब नहीं है कि किस तरह तुम कर सकते हो, बल्कि इसमें ताज्जुब है, इसमें ताज्जुब है कि किस तरह, आखिर हाउ कम यू डू दिस, तो किस तरह तुम अल्लाह ताला का इनकार कर सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम सब बेजान थे, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा करता है, तुम्हें जिंदगी देता है, इस दुनिया में आते हो, और फिर ये भी ऑब्जर्वेशन है कि सब के सब जो दुनिया में आता है वो चला जाता है, तो फिर यानी कि मौत भी बरहक है। ये है फिर इसका, इसमें के फिर मौत भी आएगी, और फिर ये कि दोबारा जिंदा किए जाओगे, और फिर अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। तो ये इस आयत का मफहूम हुआ।
हम तज़किर के तरफ चलते हैं। अच्छा, तज़किर में हम ये करते हैं कि मुख्तसर तफसीर भी करते हैं और उससे जो सबक और नसीहत हासिल होता है आयत से सबक और नसीहत हासिल कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, ये आयत है। अच्छा, हमने देखा कि पिछली आयत जो कि आयत 27 में उन लोगों का जिक्र था जो अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, और अहद को तोड़ते हैं और अहद अहद का जो तोड़ना है उसकी अव्वलीन सूरत ये होती है कि वो अल्लाह ताला की रुबूबियत का इनकार करते हैं, यानी कि कुफर करते हैं, एक खुदा को अपने बनाने वाले खालिक को अपना रब नहीं मानते। तमाम मज़ाहिर बताते हैं जो कायनात में फैले हुए हैं और खुद इंसान की अपनी तख्लीक बताती है कि ये बगैर खालिक के एक बनाने वाले के नहीं वजूद में आ सकता, फिर भी अपने रब को नहीं मानते, कुफर करते हैं। लिहाजा अब इस अगली आयत में उन्हीं मुनकरीन और फासिकीन से खिताब है कि तुम अल्लाह ताला का इनकार आखिर किस तरह कर सकते हो जबकि हकीकत यह है कि तुम मुर्दा थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लाकर जिंदगी बख्शी। अच्छा, यही पहले जैसे हमने वर्ड वर्ड मीनिंग में भी देखा, तो पहले यहाँ पे मजीद तफसील में जाने से पहले जरा मौत और जिंदगी के बारे में कॉन्सेप्ट वाजे कर लें। जैसे हयात के बारे में अभी हमने पढ़ा कि हरकत और सुकड़ना जिंदगी की अलामत है। हम आम हालत में उस चीज को जिंदा कहते हैं जो हमारे सामने जमीन जमीन पर, यानी कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन है जिस वक्त हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कोई भी चीज अगर चल रही हो, उसमें ग्रोथ हो रही हो, नशोनुमा पाती हो, माहौल के असरात से असरअंदाज होती हो, जब उस पे माहौल के असरात होते हैं तो वो वाकई उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस होता हो। अगर कोई जिस्म बेहिसो हरकत एक तरफ पड़ा हुआ हो, इसमें हरकत और नशोनुमा ना हो, तो हम उसे मुर्दा कहते हैं। अच्छा, इसी तरह माता यमूतु मौतन के हवाले से हमने अभी पढ़ा कि मौत का लफ्ज मजाजन सुकून यानी स्टैटिक होने के लिए भी बोला जाता है, यानी अगर किसी चीज में ग्रोथ खत्म हो जाए, उसका जमूद आ जाए, स्टैटिक हो जाए, इर्तका रुक जाए, तो वो मुर्दा है। चुनाचा कहते हैं मा ततर रीह यानी हवा, मा ततर रीहू यानी हवा रुक गई, साकिन हो गई। अगर हवा रुक जाए, साकिन हो जाए, तो उसके लिए भी मौत का लफ्ज है। मा ततर नारू आग बुझ गई, आग बुझ जाती है, उसके लिए भी अरबी में मौत का लफ्ज है। मौत के लफ्ज का इतलाक नींद पर भी होता है, जब हम सो जाते हैं तो उस पे भी जो हमारी दुआ है सो के उठने की और सोने के लिए जाने की, उसमें भी मौत का लफ्ज है। तो मौत का इतलाक जो है वो नींद पर भी होता है। चुनाचा मातर रजुलू के मायने हैं वो सो गया। अच्छा, यानी कि कोई चीज सो जाए तो उस पे भी मौत के लफ्ज का इतलाक होता है। अब हम इस आयत पे दोबारा वापस आते हैं। इसमें सबसे पहले बताया है कि तुम सब मुर्दा थे, यानी जब तमाम इंसान आलम अरवाह में रूह की हालत में थे तो जाहिर है उनका जिस्म तो नहीं था जो हरकत करता, तो वो आलम अरवाह में जो उनकी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस थी वो मुर्दा, असल में मुर्दा बेजान होने के मुतरादिफ है। जैसे वो रूह थी तो, लेकिन क्योंकि वो आलम अरवा में मौजूद थी, उनके कोई आमाल लिखे नहीं जा रहे थे, कोई उनके मूवमेंट कोई आमाल नहीं थे, तो वो जैसे नींद की हालत में थी, नींद की हालत में, या मौत जिसको के मौत से भी ताबीर किया जा सकता है। फिर अल्लाह ताला ने हर रूह को, हर इंसान को जिंदगी बख्शी और फिर उसने रूए जमीन पर, इस अर्थ पर जन्म लिया। अच्छा, पैदाइश के बाद अब इस वक्त इंसान अपनी उस जिंदगी को गुजार रहे हैं जो कि अल्लाह ताला की देन है, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको
जिंदगी दी, अहयाकुम, ठीक। तो अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी बख्शी और वो हम सब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कि हम अपनी जिंदगी शुरू होने के लिए भी खालिक हकीकी के मोहताज हैं और इसके कायम रहने, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए भी उसी के मोहताज हैं। फिर सबसे बढ़कर एक मुतय्यन वक्त के बाद हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। तो फिर कोई इंसान, जब ये सब मालूम है, तो फिर कोई इंसान कैसे अपने खालिक से, अपने नशोनुमा करने वाले रब से बेनियाज रह सकता है? ना सिर्फ इसकी जिंदगी, मौत उसके हाथ में है, बल्कि जिंदगी से मुतालिक सारी जरूरियात भी उसी की मरहूने मिन्नत है। अच्छा, फिर आगे आयत में है सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, यानी कि फिर इस दुनियावी जिंदगी के बाद तुम सबको मौत दे देगा। कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग जिंदा होते हैं उनको मौत आती है और वो फिर इस दारे फानी से चले जाते हैं। यहाँ से उनका जिस्म जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो रूह की हालत में मौजूद होते हैं। अच्छा, और फिर कयामत में जब वही लोग जो इस वक्त जिनको मौत दी जाती है, फिर कयामत में दोबारा उनको जिंदा किया जाएगा। यानी कयामत में उठना जो होगा वो जिस्म और रूह दोनों के साथ होगा, और सारे इंसान फिर एक हशर के मैदान की तरफ लौटाए जाएंगे। रोजे महशर में वो सब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होंगे। तो ये है इस आयत का मुख्तसर तफसीर, इसका मफहूम, और इससे हम सबक या नसीहत क्या हासिल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन आयत में इस्लाम का बुनियादी मुकदमा बयान हुआ है कि वो, और वो क्या है जो बुनियादी मुकदमा है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है, वो ये कि इस दुनिया की जिंदगी ही महज एक जिंदगी नहीं है। यानी कि ये जिंदगी जो दुनिया की जिंदगी है वो ही असल जिंदगी नहीं है, बल्कि आगे आखरत में भी एक जिंदगी सब इंसानों को मिलने वाली है, और उस आखरत की जिंदगी की नौइयत, उसकी खुशहाली, उसका सुकून, उसकी पुरसुकून रिहाइश और हर तरह की नेमतें, और इन सब नेमतों का हुसूल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस दुनिया की जिंदगी में क्या अमल करते हैं। ये दुनिया जो है जिसमें हम जी रहे हैं, ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ पे जो हम अमल करते हैं वो डिटरमिन करेगा कि हमारी आखिरत की जिंदगी कैसी होगी। अगर अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार की इस जिंदगी में, रसूलों अल्लाह ताला के रसूलों की अताअत की और कुरान पाक की तालीमात पर अमल किया, तो आखरत की जो हमेशा की जिंदगी है वो सवर जाएगी, और बसूरत दीगर फिर जो जहन्नम है वो फिर उन लोगों का ठिकाना है जो कि कुफ्र करते हैं और अल्लाह ताला की दावत से, रसूलों की दावत से मुंह मोड़ते हैं। तो ये है मुख्तसर तफसीर और तस्कीर इस आयत की। यहाँ पे इस नशिस्त को खत्म करते हैं दुआ के साथ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़ना मअल अब्रार। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين ثم آمين। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।